मैं सीमा रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कोरोना की कुछ अपडेट्स कि दुनिया भर में कितने केसेस पाए गए हैं और कितने लोगों की इस कोरोना की वजह से डेथ हो चुकी है। तो बात करूं मैं वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में 26 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं जिसमें से 183,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। और वहीं बात करूं मैं इंडिया की तो इंडिया में 20,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। दोस्तों इस कोरोना की वजह से ना जाने कितनों की जान जा रही है, लॉकडाउन कब तक बढ़ता जा रहा है, ना जाने ये इतने सारे फेक न्यूज़ फैल रहे हैं। लेकिन आज हम इस सारे टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिससे हम अपने आसपास रोज आजकल फील कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं ये सारी चीजें। जी हाँ, अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंट के बारे में कि कैसे हमारा आसमान इतना साफ दिख रहा है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सच में तारे दिखते हैं, हवा कितनी साफ हो गई है और पानी कितना ज्यादा साफ हो गया है। दोस्तों पानी इतना साफ हो गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा जी का कहना है कि आज तक यमुना इतनी साफ नहीं हुई है। सिर्फ 9 दिनों के अंदर ही, लॉकडाउन के सिर्फ 9 दिनों के अंदर ही हमें यमुना इतना साफ देखने को मिल रहा है। और ये सब सिर्फ हो रहा है इंडस्ट्रियल स्टॉपेज की वजह से, क्योंकि फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकलते थे वो सारे अभी स्टॉप हैं, बंद हैं सारी फैक्ट्री, जिसकी वजह से आज यमुना इतनी साफ दिख रही है। और सिर्फ यमुना ही नहीं, गंगा नदी में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। गंगा नदी के बारे में डॉक्टर पीके मिश्रा आईआईटी प्रोफेसर बीएचयू के, उन्होंने बोला कि गंगा में 40-50% इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, उसकी पानी क्वालिटी बहुत ज़्यादा साफ हो गई है। तो दोस्तों इस लॉकडाउन के सारे फायदे ही तो दिख रहे हैं कि पानी इतनी साफ हो रही है, हवा इतनी साफ हो रही है। अब बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ के बारे में। दोस्तों आज के टाइम पे सड़कें इतनी खाली हो गई है कि हम वाइल्ड लाइफ को अपने आसपास रोड पे देख सकते हैं। केरल में देखा गया कि कैसे अलग अलग से जानवर रोड पे उतर आए हैं। ये सारी चीजें इसीलिए तो हो रही है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत साफ हो गया है, सड़कें इतनी खाली हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो लोग कभी सड़क पे नहीं आए या फिर हमारे आसपास नहीं आते थे, लेकिन हम उन्हें नोटिस नहीं करते थे और आज के टाइम पे हम उन्हें नोटिस करते हैं। दोस्तों इस लॉकडाउन का असर सिर्फ पानी और वाइल्ड लाइफ पे ही नहीं बल्कि हवा पे भी बहुत भारी रूप से और गंभीर रूप से देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा फायदे हुए इस लॉकडाउन के। हवा इतनी साफ हो गई है कि पंजाब के जलंधर से 140 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत भी साफ दिखने लगा है। जलंधर के लोगों का कहना है कि 20-30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें जलंधर से हिमालय पर्वत दिख रहा है। और सिर्फ जलंधर ही क्यों, इंडिया गेट भी आज के टाइम पे इतना साफ हो गया है, दिल्ली साफ हो रही है। दिल्ली की तो हवा क्वालिटी गुड क्वालिटी में आ रही है जो कि साफ और हेल्दी हवा में आती है। दिल्ली जैसा शहर जो कि तब पॉल्यूटेड होता था आज वो साफ है सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। और इसके कारण क्या रहे हैं दोस्तों, क्यों हवा इतनी साफ हो गई है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक टॉक्सिक गैस होता है जो कि गाड़ियों के इंजन से, कार बसेस और ट्रक से निकलती है और फैक्ट्रीज से निकलती है। दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतना खतरनाक गैस होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अगर इसकी कंसंट्रेशन पावर 200 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो जाए तो ये हमारे सांस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, बहुत ज्यादा इसकी वजह से अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं। और आज हमें इसी NO2 में गिरावट देखने को मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि चाइना में इसकी वजह से कितनी गिरावट आई है, वहां की भी एयर क्वालिटी कितनी सही हो गई थी। इंडिया में, इटली में और बाकी बहुत सारे देशों में इसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूशन बिल्कुल सही हो गई है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या फिर PM 2.5, दोस्तों ये एक हार्मफुल फॉर्म होता है एयर पॉल्यूशन का जो कि इतना छोटा है होता है कि वो हमारे लंग्स से होते हुए ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है, जिसकी वजह से हमें लंग इन्फेक्शन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा होता है कि हमें प्री मैच्योर डेथ फेस करना पड़ता है। और ये सब सिर्फ होता है PM 2.5 की वजह से। एक रिसर्च के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि सिर्फ PM 2.5 की वजह से 4 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ होती थी हर साल वर्ल्ड में।
और इसी यही एक वजह है कि PM2 के गिरावट की वजह से आज हमें आसमान साफ दिखता है और रात में आसमान में तारे दिखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एम्बिशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट चेंज करने के लिए, और CO2 सबसे ज्यादा होती है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वजह से, जो कि आज का लॉकडाउन की स्थिति में CO2 में हम गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इतनी गिरावट हुई है CO2 में कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट है ये CO2 की, लगभग 5% की गिरावट। इतनी गिरावट की वजह से ही आज हमारा मौसम, आज हमारा वेदर बिल्कुल साफ दिखता है। तो ये सारी तो थी हमारी पॉजिटिव खबरें जो हमें लॉकडाउन में देखने और सुनने को मिल रही। अब हम बात करें कुछ नेगेटिव चीजों की जो इस लॉकडाउन की वजह से होगी, जैसे कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। और एक और बात बता दूं दोस्तों, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है एक दूसरे का। जब जब हमारी इकोनॉमी ऊपर गई है एनवायरनमेंट नीचे आई है, और जब हमारी एनवायरनमेंट ऊपर जाती है तो इकोनॉमी नीचे आती है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। और इकोनॉमी ऊपर या नीचे जाने का एक कारण होता है फॉसिल फ्यूल्स। दोस्तों जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब की वजह से होते हैं और अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से होती है। अब इस सब का एक ही कारण होता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। और आज के टाइम पे जब लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर थप पड़ी है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एम्बिशंस नीचे आ रही है, उसमें गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी एनवायरमेंट इतनी साफ हो रही है। और यही एक कारण है जब ये सारी नॉर्मल हो जाएगी लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हमारा एनवायरमेंट फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। इकोनॉमी रेट गिरने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। और इसी सब के लिए कह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सबसे ज्यादा कंपनीज में फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोगों को निकालना शुरू कर देंगे वो लोग, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है। तो दोस्तों इस सब से ये सारी चीजें तो हो गई कि ठीक है हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट पे, इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए हमें। हम इतना साफ रखते हैं कि ठीक है लॉकडाउन खत्म हो गया, इसके बाद भी हम अपने अपने जगह पे जितना हम कर सकते हैं, जितना एफर्ट हम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए वो जरूर करें। दोस्तों मुझे लगता है ना कि ये लॉकडाउन ना, मतलब ठीक है लॉकडाउन महीने में 2-3 महीने में एक बार तो हो ही जाना चाहिए कुछ ही दिनों के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी अपने आसपास स्वच्छता और सफाई जरूर बना के रखें। धन्यवाद, ख्याल रखें अपना।